सभी को नमस्कार। आज का हमारा प्रश्न है कि खरीफ फसल की कोई तीन विशेषताएं लिखो। तो हम आज के प्रश्न में रबी, खरीफ और जायद की फसलों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, रबी की जो फसल है वह रबी फसलों को शीत ऋतु के प्रारंभ में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में बोया जाता है। ये आप देखिए रबी की फसल की पहली विशेषताएं हैं। हम इसको तीन भागों में बांट रहे हैं अपने प्रश्न को। दूसरे इसमें क्या बात है कि इन फसलों को ग्रीष्म में अप्रैल से जून के मध्य में काट लिया जाता है। इसमें गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों महत्वपूर्ण फसलें हैं। रबी की फसल हो गई हमारी अक्टूबर से दिसंबर के मध्य। अब आता है हमारी खरीफ की फसल। खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं और इन फसलों को सितंबर से अक्टूबर तक काट लिया जाता है। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर, मूंग, उड़द, कपास आदि क्या हैं, ये सब खरीफ की फसल हैं। उसके बाद होता है रबी, जायद की फसल। जायद की फसल रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच में ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। और इसकी दूसरी विशेषता है कि ये थोड़ी अवधि की फसल होती है। इसमें तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां और चारे के लिए जो फसलें उगाई जाती हैं वह सब शामिल होती हैं। इस तरह का प्रश्न आपका CBSE 2019 में आपके पेपर में आया हुआ है। तो आप ये तीनों फसलों के बारे में ज़रूर समझ लीजिए। और इसका दूसरी तरह से जो इसका प्रश्न पूछ लिया जाता है वह है कि भारत की शस्य ऋतुओं की तुलना करें। तो तुलना में हमें तीनों की तुलना इस तरह से टेबल बना करके बतानी होगी। और यदि खरीफ की या किसी भी एक की पूछें तो हमें उनके बारे में लिखना होगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।